सो हेलो एंड वेलकम, दिस साइड ऑफ विजय हेयर। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। और आप सभी पाठशाला चैनल पे टर्म टू के लिए हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी 11th और 12th क्लास के लिए 20 मिनट की सीरीज देख रहे हैं। और हमने टर्म टू के जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके लिए 20 मिनट की सीरीज स्टार्ट करी है, ताकि आपको शॉर्ट टर्म में पूरे चैप्टर में क्या है वो समझ में आ सके। वैसे तो एक्सप्लेन सीरीज पहले से ही अपलोड है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूंगा। ये पाठशाला के चैनल पे पेपरों से पहले लाइव क्लासेस चलेंगी डेली सुबह 10 बजे, और आपको 20 मिनट की सीरीज मिलती रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े तो जुड़ने की कोशिश करिएगा। चैप्टर का नाम न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 है। टर्म टू के हिसाब से पार्ट टू में, यानी कि टर्म टू में ये चैप्टर आ रहा है। बेसिकली पूरे चैप्टर के अंदर बात ये करी गई है कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स में हम क्या क्या देखेंगे। मतलब हमें पता है कि यूएस हेजमनी, जो यूएस है, उसको ख़त्म कर पाना बहुत मुश्किल है, और ऑफ कोर्स हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और उसको अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स क्या है वो इसमें बताने की कोशिश करेगी। जैसे यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स और रशिया, चाइना, इसराइल और इंडिया के रिलेशंस को बताने की कोशिश करी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे ये ओल्ड यूरोपियन मेंबर की जो कंट्रीज थे उनके साथ अर्थव्यवस्था, मैं डिटेल में नहीं बताऊं क्योंकि पहले से डिटेल वीडियो अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट पूरी चेकआउट कर सकते हैं। टर्म टू की पॉलिटिकल की है जिसमें 20 मिनट की सीरीज में सारा कुछ बताया जाएगा, तो हैव वॉचिंग। अब यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे यूरोपियन यूनियन की, यूरोप की कुछ कंट्रीज थे, उनके जो इकोनॉमिक बैरियर्स थे वो टूटने लग गए थे, कमजोर पड़ने लगी थी कंट्री है। और इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप की जितनी भी कंट्री थी उनके स्टेट की इकोनॉमी खराब हो गई थी। अब हैरी ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा शीत युद्ध खत्म हो चुका है, ऐसा करते हैं कि इनको दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। अब दोस्त बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो हैरी ट्रूमैन ने क्या करा, हैरी ट्रूमैन ने मार्शल प्लान लागू करा, और 23 अप्रैल 1947 में फंडिंग की बात करी गई। फंडिंग में हुआ ये कि $12 अरब की आर्थिक मदद करी जाएगी यूरोपियन यूनियन के सदस्यों को। और यहाँ पे इसकी शुरुआत मेन मकसद था कि पश्चिम जितनी यूरोप की कंट्री है, वेस्टर्न यूरोप की जितनी भी कंट्री है, वो इनके साथ आ जाए। इसलिए 1948 से लेकर 1952 तक ये हेल्प जारी रही, और $12 अरब हमने इन यूरोपियन यूनियन की कंट्री को दिया। न्यू मेंबर बाद में बने, लेकिन अगर आपको ये वायलेट कलर में दिखाई दे रहे हैं तो ये है हमारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर जिनको पैसा दिया गया, क्या कहते हैं, अमेरिका के द्वारा। मेन था अपनी पावर को बढ़ाए रखना। लेकिन यूरोपियन यूनियन यहीं नहीं रुका, यानी कि यूरोप की कंट्री यहीं नहीं रुकी। उनको पता था कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेंस कर सकता है, सो दैट इज वाई यूरोपियन यूनियन ने अपने साथ एक कोलैबोरेशन स्टार्ट करा। कोलैबोरेशन इसने क्या करा, 1948 में जैसे ही पैसा इनको मिला, 1948 में यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया इन लोगों ने। मेन मकसद ये है कि आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, OECD, ये आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म आती है। 1948 में ये बना, इसके टोटल सदस्य आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात था कि 1948 में बनाने का मेन मकसद ये था कि कॉपरेशन रहे, इकोनॉमिक कॉपरेशन रहे, जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री है उनके बीच में कॉपरेशन रहे। उसके बाद 1949 में इन सभी कंट्रीज ने मिलकर अपना काउंसिल बनाया। जैसे होता है ना, एक यूएन का अपना काउंसिल होता है, सेम इन लोगों का भी अपना ही काउंसिल था। इन लोगों ने काउंसिल बनाया, और काउंसिल बनाने का मेन मकसद ये था ताकि आपस में इन कंट्री के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो एक पार्लियामेंट की, एक पार्लियामेंट थी, उसमें उस डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे यूएन सॉल्व करता है। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने अपनी कम्युनिटी स्टैब्लिश करी जिसको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में EEC बोला जाता है, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब ये कब लॉन्च हुई, ये 1957 में। तो आप सीरीज देख सकते हैं, सारी सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि 1948 में ये बना, 1948 में ये बना कि आपका यूरोपियन आर्थिक सहयोग का गठन बना। ये टाइमलाइन पेपर में कैसे ही पूछी जा सकती है। उसके बाद बना आपका 1949 में काउंसिल बना, और उसके बाद जाके बना आपका क्या कहते हैं 1957 में EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बना। और उसके बाद फाइनली 1992 तक आते आते यूरोपियन यूनियन का संगठन हो गया। ऑफ कोर्स मास्टर ट्रीटी के तहत इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने मास्टर ट्रीटी नीदरलैंड के अंदर एक जगह है वहाँ पे साइन करे। साइन करने का मेन मकसद है कि ये क्या कहते हैं इफेक्ट में आ गया 1 नवंबर 1992 में। साइन हुआ था 7 फरवरी 1992 में, इफेक्ट में आया 1993 में। बाद में इसमें अमेंडमेंट होते गए, जैसे ट्रीटी ऑफ एम्स्टरडम, ट्रीटी ऑफ नीस, ट्रीटी ऑफ लिस्बन,
ये क्या है ये आगे बताते हैं। मेन बात ये था कि जब ये अमेंडमेंट होते चले गए और फाइनली 1992 के अंदर जब इस पे सब पे साइन हो गए और 1 नवंबर 1993 में जब ये एग्जिस्ट में आ गया, तो उसके बाद मेन बात ये हुई कि 1993 में ये बात हो गई कि सिंगल मार्केट सिस्टम बनाया जाएगा, यानी कि पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर एक ही करेंसी लागू होगी, वो है आपकी यूरो करेंसी। अब इस तरीके से ऑल्टरनेट सेंटर बनता है। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन, मेन बात ये है कि इसका कैपिटल मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसल्स में है। 28 मेंबर इसकी कंट्री मेंबर बनी हुई है, एट प्रेजेंट टाइम पे 30 हो चुकी है, डेटा बदलते रहते हैं। मेन मोटो है यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ऑफकोर्स होना चाहिए, इनका अपना खुद का गाना है, इनकी अपनी खुद की कैपिटल है, और मेन इनको नोबेल प्राइज 2012 में शांति के लिए मिला है। और मेन बात यह है कि ये इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, मैस्टर ट्रिटी के तहत ये बनाया गया था, और अब इसका क्या कहते हैं जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का वो ब्रसल्स में हमें देखने को मिलता है। अब मेन बात ये है कि इसको पावरफुल जो है जो बनाती है वो क्या चीज़ है। ऑफकोर्स ये एज अ नेशन या स्टेट के तहत एक्ट करता है, इनका अपना खुद का फ्लैग, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट, करेंसी खुद की है, और यहाँ पे इनकी खुद की कॉमन पॉलिसी जो है सिक्योरिटी की या फॉरेन पॉलिसी वो है। हाँ मेन बात है कि इनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो किसी कम्युनिटी का नहीं होता, कंट्री का होता है। अब यहाँ पे मेन बात ये थी कि यूरोपियन यूनियन को ताकतवर बनाने वाली क्या चीज़ थी, ये चीज़ पेपर में आती है 4 मार्क्स की, कि वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक इनकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरो जो है, यूरो जो इतनी सारी कंट्री में एक्सचेंज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये डॉलर के लिए एक थ्रेड की तरह है, सबसे लार्जेस्ट शेयर मार्केट इनके पास है। उसके बाद इनका यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्री है उनका रोल यूएन के अंदर, G8 के अंदर, G20 के अंदर बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन यूनियन के जितने भी क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक, वो अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि इतनी सारी कंट्री, 28 कंट्री का अगर GDP को एक साथ इकट्ठा करा जाएगा तो ऑफकोर्स वो अमेरिका के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। यूरोपियन यूनियन की जो सशस्त्र सेना है, मीन्स जो सैन्य बल है, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है, और उसके बाद दो इसके परमानेंट सदस्य यानी कि फ्रांस और यूके इसी के सदस्य हैं, तो ऑफकोर्स ये न्यूक्लियर पावर में ऑफकोर्स सेकेंड नंबर पे है। लेकिन हमें ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि 1993 के अंदर जब ये एक बना था कंट्री, तो हम बोल तो सकते हैं कि सिंगल मार्केट सिस्टम के तहत सारी कंट्री एक साथ हो गई थी, और सभी लोगों ने, यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि सारे ये लोग एक ही करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे। और इनकी अच्छी बात ये रही कि जो इनके यूरोपियन यूनियन है उसमें परमानेंट मेंबर जो है वो कितने हैं, ऑफकोर्स 2 हैं, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन सही मायने में हमें इतना पता होना चाहिए कि एक ट्रिटी ऑफ लिस्बन हुआ था। ट्रिटी ऑफ लिस्बन अगर आप देखें यहाँ पे आपके इसमें बता रखा है कि ये ट्रिटी ऑफ लिस्बन 2009 में हुआ था। इसका मतलब ये था कि इस संधि के तहत अगर कोई यूरोपियन यूनियन कंट्री का सदस्य बना हुआ है और निकलना चाहता है तो निकल सकता है। इसलिए 2016 में ब्रिटेन ने रेफरेंडम करवाया था, जनमत करवाया था, और फाइनली ब्रिटेन निकल चुका है। लास्ट 2013 में 28वां सदस्य क्रोएशिया बना था, और आपको पता है कि अभी जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के सदस्य के बनने के ऊपर ही हो रही है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना डिटेल में झोलझाल आपको पढ़ना नहीं है, एक्सप्लेन वीडियो सीरीज पहले से अपलोड है। हाँ मेन बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि उनको पावरफुल क्या क्या चीज़ें बनाती है, तो वो चीज़ आपने याद रखना है। लास्ट में बताया था, लास्ट वाला ये था कि इनकी स्पेस और टेक्नोलॉजी सेकंड नंबर पे आती है, यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर द स्पेस एंड प्रोग्राम ये दूसरे नंबर पे आती है, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनकी वीकनेस भी है, वीकनेस क्या है कि जितनी भी आपस में 30 कंट्रियां हैं ना, उनके आपस में एट प्रेजेंट टाइम पे विचार नहीं मिलते फॉरेन रिलेशन को लेके और डिफेंस सिक्योरिटी को लेके। क्या नहीं मिलते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मानिए कि इराक के ऊपर हमला करा गया था, किसने करा था? यूके ने और यूएस ने, हालांकि यूएस ने ही करा था, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, और इराक उसके साथ था, लेकिन जर्मन और फ्रांस इस चीज के विरोध में थे। दूसरा यहाँ पे थैचिस करके जो ब्रिटेन की एक क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर थी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि यूके को यूरोपियन मार्केट, सिंगल मार्केट सिस्टम था, उससे दूर रहना चाहिए। डेनमार्क और स्वीडन जो ऑफकोर्स यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, लेकिन उन्होंने सिंगल मार्केट सिस्टम की बातों को नहीं माना, उन्होंने कहा यूरो हमारी कंट्री में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। वीकनेस है, जो चीज़ अच्छी है उसके बुरे परिणाम तो होंगे। छोटे लेवल पे बड़ा पैकेज, बड़ा धमाका छोटा पैकेज, यही है आशिया। अब आशिया में 30 मेंबर, देखो कंट्रियों के नाम अगर आपने देखने के, टोटल कंट्रियों के नाम कितने हैं, तो आई रिकमेंड यू कि आप ये मैप जरूर याद रखिएगा। मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ मैप कौन सा है, ये मैप, ये वाला मैप, ये मैप, इस मैप में कंट्रियां देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी कंट्रियां अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है।
ऑफ कोर्स रशिया से जुड़ा हुआ जो प्लेस है यूक्रेन, यूक्रेन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, रशिया के पास वाली कंट्री है, वो भी इसका पार्ट बनने वाली थी, और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन के रशिया में जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, वो एक रीजन बोला जा सकता है ना। तो भाई उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कंट्रियों के नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेपर में अगर कहीं फिल करने के लिए आ गया तो आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, यानी कि आशियन मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, याद रख लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट 10 कंट्रियों के साथ हुआ था, जिसका मेन मकसद था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, ऑफ कोर्स हमें पता था कि गरीब कंट्रियों के साथ जो कॉलोनियल कंट्री थी वो हमेशा अपना प्रेशर बनाए रखती थी, तो इसीलिए हमारी कंट्री ने तो नेम बना दिया, हमारी कंट्री ने नेम बनाया था। लेकिन आशियन मेंबर ने 1967 में बैंकॉक, कहाँ पे याद रखिएगा, थाईलैंड में, वहां पे सभी लोग ने क्या करा, संधि करी। कब करी, 8 अगस्त 1967 में। फाउंडिंग कंट्री याद रखिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये 5 कंट्रियां फाउंडिंग थी, बाद में 5 कंट्री और बन गई, इसलिए टोटल आशियन मेंबर छोटी छोटी कंट्री है, चाहती नहीं है कि बड़ी कंट्री इनके ऊपर राज करे। दैट इज वाई इन सभी कंट्रियों ने क्या करा, इन सभी कंट्रियों ने पूरे मिलकर आशियन बना दिया। 10 कंट्रियों ने आशियन बनाया, तो ऑफकोर्स इनका अपना खुद का नेशनल फ्लैग है, और ऑफकोर्स इनकी खुद की मीटिंग्स होती रहती है। नेशनल फ्लैग का मतलब क्या है वो जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, पेपर में आने के चांस है। आशियन मेंबर के अंदर क्या इंडिया पार्टिसिपेट है, बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। 10 कंट्रियां हैं, मैप में देख सकते हो, छोटी कंट्रियां आपस में रिलेशन बनाई हुई है। ऑब्जेक्टिव बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और कल्चर डेवलपमेंट। आशियन बनाने का मेन मकसद आपस में तो नहीं कि डांडिया खेलेंगे आपस में बैठ के, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए, कल्चर डेवलप होना चाहिए, इसलिए आशियन बनाएगा। आशियन का काम करने का तरीका सिंपल सा है, बातचीत से सारे मैटर को सॉल्व करेंगे, इनफॉर्मल और कॉपरेशन रिलेशन रखेंगे, जरूरी नहीं लड़ाई दंगा मार पिटाई कटाई हो, इसीलिए। दूसरा, जो भी 10 कंट्री आपस में मिली हुई है नेशन की सोवरेनिटी को बनाए रखेगी, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, अच्छी बात यह, इसीलिए कहते हैं अपना अपना स्टाइल है। आशियन का काम करने का तरीका यही है। आशियन के 3 पिलर है जो 2013 में बनाए गए थे। 3 पिलर में से एक पिलर इकोनॉमिक कम्युनिटी है, मेन मकसद है सिंगल मार्केट सिस्टम हो, सभी को इकोनॉमिक लेवल बराबर मिले, कोऑपरेटिव सिस्टम होना चाहिए और ग्लोबल लेवल पे सभी एक साथ काम करें। सोशल कल्चर इकोनॉमिक मेन है कि आपस में 10 कंट्रियां अपनी जो कल्चर है उसको एक्सचेंज करें, और मेन था सिक्योरिटी को लेके, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने बता दिया कि अगर आपस में 10 कंट्रियों का कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट होगा, यानी कि मेन सीमा विवाद होगा, तो वो शस्त्र का कभी यूज नहीं करेंगे, पीसफुल और कॉपरेशन, और आपस में लड़ेंगे नहीं, शांति से बात करने की कोशिश करेंगे, जिससे सोवरेनिटी राइट्स बनी रहे। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी के लिए इन लोगों ने क्या करा, ऑफ कोर्स आपस में रीजनल ग्रोथ को तेजी करने के लिए इन लोगों ने ऐसा मैकेनिज्म सेटल करा जिससे आपस में डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके। कल्चर कम्युनिटी के लिए इन लोगों ने क्या करा, ऑफ कोर्स इन्होंने एक क्या कहते हैं कल्चर कम्युनिटी के लिए मेन यही है, आपस में कल्चर को एक्सचेंज करते रहना है ना। उसके बाद इन लोगों ने अच्छी बात ये थी कि एक बनाया, इसे बोलते हैं ARF, आशियन रीजनल फॉर्म, 1994 में, मेरे बर्थ से एक साल बाद इन लोगों ने ही बनाया। एक होता ना, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपने खुद का सिक्योरिटी काउंसिल बनाया, UN अलग से बनाया हुआ है, तो इन छोटी कंट्री ने मिलके क्या करा, इन छोटी कंट्री ने मिलके एक ऐसा मंच बनाया जिसमें ये लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, आशियन मेंबर के फॉर्म में जापान है, US है, चाइना है, इंडिया भी इसका पार्ट है, जिसमें छोटी कंट्रियों को बोलने का मौका मिलता है, अच्छी बात ये है। अब मेन बात ये है कि जब दूसरी कंट्री से इन्होंने रिलेशन बनाया तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, लेबर, सर्विस ऑफ कोर्स होगी। आशियन विजन 2020 मेन मकसद ये था कि 2020 तक इनका कोई टारगेट था, अब ये टारगेट 2040 हो सकता है, क्योंकि वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इनका फोकस है। आशियन इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ऑफ कोर्स आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको लड़े बिना सॉल्व करने की कोशिश करती है, जिसका जितना एग्जाम्पल कम्बोडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेके था जो ईस्ट तैमूर के क्राइसिस में था, पेपर में पूछा जा सकता है। अब आशियान के साथ इंडिया का रिलेशन क्या है, क्योंकि भाई मेन तो पास में कंट्री है, तो इसीलिए हमने क्या करा, 1992 में हमने लुक ईस्ट पॉलिसी करा। 1992 के अंदर हमने कहा, जो अब इसका नाम चेंज हो गया, ऑफ कोर्स मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया 2014 के अंदर, बहुत नाम चेंज हुए, तो चेंजिंग नाम पेपर के अंदर आने के चांस है। मेन ये कि हम आशियान मेंबर्स के साथ एनुअल कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अच्छी बात ये, इसलिए हमने इन्हें 2007 के तहत हमने क्या करा, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा इनके साथ, FTA। अब FTA करने का फायदा नुकसान बहुत सारा होता है, तो इसलिए हमने थाईलैंड और मलेशिया के साथ, दो कंट्रियों के साथ FTA कर रखा है। हालांकि हमारे आसपास के जो साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, आपने पढ़ लिया यूरोपियन यूनियन ऑल्टरनेट, आशियान पढ़ लिया ऑल्टरनेट, अब चाइना।
चाइना का इतिहास आप सभी लोगों को पता है, माओ ज़ेडुंग की लीडरशिप से स्टार्ट हुआ था। और माओ ज़ेडुंग की लीडरशिप से हमें पता होना चाहिए कि ये पूरी तरीके से एक ऐसा मॉडल है जो कम्युनिस्ट था, कैपिटलिस्ट नहीं था आज़ादी के टाइम पीरियड पे। चाइना की अर्थव्यवस्था हमें पता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, और 2040 में ऐसा कहा जाता है कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, जैसा हमें लग भी रहा है। चाइना ईस्ट एशिया के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर पास्ट में जाए तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी, हाई पॉपुलेशन था, वॉस्ट लैंड मास था। वॉस्ट लैंड मास है तो ऑफकोर्स मिनरल्स भी अच्छे होंगे, मिनरल्स अच्छे होंगे तो लोग विकसित होते हैं। इकोनॉमिक के स्ट्रेंथ होने का कारण उसके नेचुरल रिसोर्स है, रीजनल लोकेशन है कि कहाँ पर सिचुएटेड है। दूसरा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक ही पार्टी काम कर रही थी काफ़ी लंबे समय से, इसी वजह से इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। अब मेन ये कि कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो जो सीसीसी बोला जाता है उसे, सीसीसी बहुत सारे, तो कहने का मतलब चाइना के अंदर रिसोर्स इंडिपेंडेंट है, डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट है, इंडस्ट्री सेक्टर है, फॉरेन टेक्नोलॉजी गुड्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अब आर्थिक नींव इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पे सोशल वेलफेयर सभी के लिए होता है, सभी को रोजगार मिल जाता है, बेटर एजुकेशन और हेल्थ सर्विस है, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो ठीक ठाक है, अच्छी बात है। इनका ग्रोथ ये था कि 2000 शुरुआती समय में इनका इकोनॉमिक ग्रोथ 2 से 3% था, जनसंख्या 5 से 6% बढ़ रही थी। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो भी हमारा एग्रीकल्चर में सरप्लस जो एक्स्ट्रा पैदा हो रहा है उसको, पैदा जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम खत्म करें, इन द सेंस कि हमें उस पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने अपनी पॉलिसी में 1970 के अंदर चेंजेस लाने चालू करे। इंपॉर्टेंट है ये पेपर के लिए कि 1970 में क्या क्या चेंजेस आने चालू हुए। तो इकोनॉमिक आइसोलेशन को खत्म करें इन्होंने, इन्होंने कहा बाहर की कंट्री से जो हमारे रिलेशन है जो हम ओपन नहीं थे अब खत्म करने पड़े, मतलब ओपन करने पड़ेंगे, पहले खत्म थे अब ओपन करने पड़ेंगे। ओपन करने का मतलब ये है कि इन्होंने 1992 के साथ अमेरिका के साथ जो एकांतवास था खत्म किया। दूसरा, इन्होंने 4 पिलर्स बनाए कि हम पूरी तरीके से जू एंड लाइन मॉडर्नाइजेशन के लिए बात करी कि इंडस्ट्री, साइंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इन सभी के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, यानी कि 1973 में। और उसके बाद ओपन डोर पॉलिसी, शी जिनपिंग कह रहा हूँ, डैंग शियोपिन, इन्होंने कहा कि ओपन डोर पॉलिसी होगी, इससे फायदा ये होगा कि बाहर की टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा। उसके बाद मेन बात है कि सब जगह इन्होंने क्या कर दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने 1992 के अंदर प्राइवेटाइजेशन करा एग्रीकल्चर का, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टरीज का, मतलब इंडस्ट्रीज का, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने चालू कर दिए। दूसरा, 2001 में ये पूरी तरीके से WTO के अंदर आ गए, तो रिफॉर्म पे रिफॉर्म हो रहे, दैट इज़ वाई चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और वेस्टर्न इकोनॉमिक जो है बहुत तेज़ी से उनके कंपैरिजन में आगे बढ़ती जा रही थी। दैट इज़ वाई चाइना जो है रीच, मैं कह सकता हूँ एशिया में और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। अब इशू इनके साथ ये है कि सभी लोगों को एक साथ जॉब नहीं मिलती है, सभी को वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है, फीमेल की एम्प्लॉयमेंट ठीक नहीं है, और साथ में एनवायरमेंट ख़राब हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, और ऑफकोर्स इनइक्वालिटी देखी जाती है। अब मेन बात यह कि ट्रेड पार्टनर्स जो इनके आपस में जो दूसरी कंट्री है उनके साथ भी रिलेशन ठीक नहीं है, आशियन मेंबर के साथ, US के साथ, रशिया के साथ, उनसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो कंसंट्रेशन है वो खराब होता रहता है। ताइवान के साथ तो इनके रिलेशन वैसे भी खराब रहते हैं, वो प्रॉब्लम रिसॉल्व करना है, और आशियन के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन लोगों ने मदद करनी चालू करी थी। अब चाइना इंडिया के साथ अगर रिलेशन में देखें तो पास्ट हमारा बहुत खराब था, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से इन लोगों ने 1962 के अंदर वॉर कर दिया, जो ऑफकोर्स हमारे लिए एक खंजर की तरह था, एक चाकू की तरह था, लेकिन फाइनली 1970 में आके हम लोगों ने इस सिस्टम को ठीक करा। और हमें पता कि 1998 में चाइना के अंदर पहली बार राजीव गांधी जो विजिट करे थे, और उसके बाद उन्होंने पीस एंड ट्रांसमिटी ये एक संधि करी जिसका मेन मकसद था कि आपस में एक्सचेंज करेंगे हम अपने विचारों को, साइंस और टेक्नोलॉजी को, और ऑफकोर्स जो हमारे डिस्प्यूट होते रहते हैं चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर के, तो उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और मेन बात ये है कि हम क्या कहते हैं रिलेशन अच्छे रखेंगे, जिसमें हम बेटर रिलेशन और एनर्जी डील की बात करेंगे। अब इंडिया इसीलिए 1998 के अंदर न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बनाया था, क्योंकि जब पड़ोसी मुल्क ने बना रखा है, चाइना ने बना रखा है, पाकिस्तान ने बना रखा है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ बनाई। ठीक है, बाकी अब बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा वीडियो पहले से अपलोड है टर्म 2 के लिए, तो आप ब्रिक्स के बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं पूरा का पूरा, वो सब मैंने पहले से बताया हुआ है। एक्स्ट्रा जो ब्रिक्स है, अब ब्रिक्स के बाद क्या क्या इसके लॉसेज हैं, क्या क्या फायदे, इंडिया का क्या रोल है, रशिया क्या था, रशिया का पास्ट कैसे बना, प्रेजेंट टाइम पे रशिया कैसा है, उसका सिनेरियो कैसा है, इंडिया के बारे में मैंने बताने की कोशिश करी है कि इंडिया पहले कैसा था और इंडिया अब कैसा है, 5वें स्थान पे क्यों बना, इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है, वगैरह वगैरह, सब पहले डिस्कस हो रखा है,
वीडियो के दूसरे पार्ट में पहले से अपलोड है जो हमारी एक्सप्लेन सीरीज थी। अभी इस 20 मिनट की सीरीज में इतना ही है, ओवरव्यू मैंने दे दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लाइव क्लास डेली 10 बजे होगी, तो हम डेली 10 बजे मिलेंगे जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता है, 11th और 12th के दोनों बच्चों के लिए। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो सीरीज अच्छी लगी है और क्या रिकमेंडेशन है जरूर लिखने की कोशिश करिएगा। दिस इज इट इन दिस वीडियो।